नमस्कार। बचपन से हमने शायद से अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से हमेशा ये चीज़ें जानी हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, बट साथ ही साथ में इनसे जुड़े मिथ्स को भी जानना ज़रूरी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रोशनी मिश्रा, एक स्किन और हेयर विशेषज्ञ, आज आपके साथ बात करूँगी इनसे जुड़े कई सारे मिथ्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिथ, नींबू को तुरंत अपने चेहरे पर लगाना। नींबू का सेवन जब भी हम अपने पेट में करते हैं तो हमारे पेट में एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड के चलते तहत नींबू में जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, बट जब भी हम नींबू को तुरंत अपने चेहरे पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो इससे आपका चेहरा बहुत ज़्यादा काला हो सकता है, साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन जिसके चलते तहत आपके चेहरा लाल हो सकता है और बहुत सारा कालापन सन एक्सपोजर के साथ जुड़ सकता है। सेकेंड में, घर में वैसे तो हम बर्फ़ को अपने चेहरे पर डायरेक्टली अप्लाई करना हॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज से सीखे हैं, बट इस बर्फ़ को डायरेक्टली अपने चेहरे पर अप्लाई करने से आपके स्किन पर आइस बर्न या जिसे हम कोल्ड बर्न कहते हैं वो भी हो सकता है। इसके चलते फिर आपके चेहरे पर ढेर सारी सूजन, बहुत सारा पिगमेंटेशन और बर्निंग भी हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको आइस अप्लाई करना है तो आप इसे कपड़े में एक परत में बांध कर अपने चेहरे पर हल्के प्रेशर से कंप्रेस करके लगा सकते हो, बट डायरेक्ट एप्लीकेशन आइस का आप अपने चेहरे पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एक्ने पे टूथपेस्ट लगाना, अब ये तो बहुत ही आम हो चुका है, बट अगर हम एक चीज़ ध्यान रखें, जो टूथपेस्ट होता है वो हमारे दांतों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दांतों पर कैल्शियम होता है और साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, एंड टूथपेस्ट जो रहता है वो इन सबको साफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, बट जो हमारी स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है। तो टूथपेस्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल हमारे एक्ने पर करने से हमारी जो स्किन रहती है उसे हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो कभी भी डायरेक्ट एप्लीकेशन टूथपेस्ट का अपने चेहरे पर मत कीजिए, इससे आपके चेहरे पर दाग धब्बे साथ ही साथ में रिएक्शन होना बहुत आम हो सकता है। कॉफ़ी का प्रयोग ओवर एक्सफोलिएशन के लिए करना, वैसे तो एक्सफोलिएशन की वजह से बहुत सारे ब्लैक हेड्स एंड डेड स्किन आपके स्किन से निकल जाते हैं, बट जब भी आप ओवर एक्सफोलिएट करते हो तो इसके कारण जो आपका स्किन बैरियर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसके कारण कोई भी इजीली आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, बर्न और रिएक्शंस होना काफ़ी आम हो जाता है। तो कभी भी ओवर एक्सफोलिएशन जो रहता है उसे अवॉइड कीजिए। घरेलू नुस्खे या फिर जिसको हम DIY फेस पैक कहते हैं उनका डायरेक्ट अपने चेहरे पर लगाना, वैसे तो हम सबको स्किन पैम्परिंग बहुत पसंद है, बट साथ ही साथ में हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो घरेलू नुस्खे होते हैं जैसे कि टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगाना या फिर आलू को घिसकर उसका रस अपने चेहरे पर लगाना, इनमें बहुत मात्रा में हाई एसिड कंटेंट होता है जो हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, साथ ही साथ में रेडनेस, हाइपर पिगमेंटेशन, इनके सबके मार्क्स भी छोड़ सकता है। तो कभी भी अगर आप फेस पैक लगा रहे हो तो आप पैच टेस्टिंग कर लीजिए जिससे आपको पता लगे कि आपकी स्किन इसको रिएक्ट करेगी या नहीं। साथ ही साथ में आप तुरंत एक डर्मेट को कंसल्ट कीजिए एंड एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो रहता है अपने चेहरे के लिए उसको फॉलो कीजिए। DIY फेस पैक्स जो होते हैं उनको किचन में ही रहने दीजिए और अपने चेहरे पर इस्तेमाल मत कीजिए। सोने से पहले मेकअप को ना उतारना, वैसे तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम मेकअप करके अपनी स्किन के बहुत सारे फ्लॉज को हाइड कर सकें, बट हमारी स्किन को ब्रीथ करना भी उतना ही ज़रूरी है, और अगर आप रात को सोने के पहले अगर आप अपना टन भर मेकअप नहीं निकालोगे तो इसके कारण जो आपके पोर्स रहते हैं वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाते हैं, एंड इसके चलते तहे आपके चेहरे पे बहुत सारे ब्लेमिशेस, ब्रेकआउट्स या फिर एक्ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए सोने के पहले आप टन भर जो आपके चेहरे पर मेकअप रहता है उसे आमतौर पर आप साफ़ कर लीजिए और डबल क्लेंजिंग का रूल ज़रूर फॉलो कीजिए। अपने एक्ने को पॉप करना, ये सबसे आखिरी मिथ है। यूजुअली किसी को भी पसंद नहीं आते अपने चेहरे पे मुहांसे देखना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी उंगलियों का या फिर कोई भी मशीन का प्रयोग करते हुए इन मुहांसों को पॉप करना शुरू कर दें। इसकी वजह से आपके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे रह सकते हैं, साथ ही साथ में एक्ने स्कार्स भी हो सकते हैं जिसे ट्रीट करना काफ़ी तौर पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपको एक्ने पॉप हो रहा है देन आप उसको खुद से पॉप आउट करने की कोशिश मत कीजिए एंड तुरंत एक डर्मेट को दिखाइए ताकि आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे और स्कारिंग ना हो सके। वैसे तो चीज़ों को मिलाकर अपने लिए फेस पैक बनाना या फिर प्रोडक्ट्स बनाना काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है,
बट काफ़ी स्किन केयर ब्रांड्स जैसे कि क्योर स्किन ये सारे रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए साथ ही साथ में अपनी हर क्लाइंट के स्किन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो काफ़ी डिपेंडेबल होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।